CNN News 18's Siddhant Mishra spoke exclusively with Tom Overton, the Australian diplomat who speaks Hindi fluently and has become a social media sensation in India. The discussion revolved around the importance of language in resolving bilateral issues and other trade-related matters. Let's listen in. सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा एंड फॉर आवर हिंदी व्यूअर्स ऑल्सो कि कब आपको ये ख्याल आया कि मुझे हिंदी सीखनी है एंड इज देर एनी प्रपोजल विच वॉज मेड बाय योर गवर्नमेंट टू यू दैट सिंस यू आर गोइंग टू इंडिया सो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो बीन टोल्ड दैट योर गवर्नमेंट has directed you on this path, अगर आप उस बारे में थोड़ा बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, तो मैं पहले भारत आना चाहता था तो इसलिए लगभग 18 महीने पहले मैंने अप्लाई किया भारत आने के लिए और एक साल पहले लगभग मुझे बताया गया कि हाँ मैं भारत आऊंगा तो इसीलिए और इसी वक्त मैंने अपनी हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा हाँ तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग एक साल से मैं हिंदी सीख रहा हूँ। जो भी हिंदी बोल पाते हैं वो अपने एक साल में सीख लिया। हाँ हाँ जी हाँ जी। अच्छा और आपको वहाँ हिंदी कौन सिखाता था, कैसे आपने सीखी, मतलब आपके टीचर्स थे या किसी इंडियन ने आपको सिखाया या किसी ऑस्ट्रेलियन ने सिखाया? हाँ तो मेरे दो टीचर्स थे, एक जो और दोनों काफी लंबे से और लंबे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहती है लेकिन ओरिजिनली भारत से हैं, तो एक ओरिजिनली दिल्ली से है और एक और बिहार अच्छा, से है। हाँ लेकिन अच्छा, एक दिल्ली से बिहार से, उनके नाम क्या है आप लेना चाहेंगे? तो दिल्ली से वाला अलका जी का नाम है और बिहार से वाला शैलेश। तो इन दोनों शैलेश जी और अलका जी ने आपको हिंदी सिखाई जी, जी, जी। तो आज उनको आप याद करेंगे, गुरुओं को याद करना इंडिया में प्रथा है। हाँ बिल्कुल, उनको प्रणाम करना इंडिया में प्रणाम जी इस तरह के। थैंकफुल, यू आर ग्रेटफुल टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऑल्सो यू नो हाउ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज फॉर अ डिप्लोमैट, or maybe let me frame it this way, that how, what degree of role language plays when you sit down for a bilateral talk or when it comes to soft diplomacy, how important language plays a role? हाँ हाँ बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग में है और यहाँ पे मेरा काम का फोकस जो है वो आर्थिक और व्यापारिक नीति है, मतलब इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी। तो बिल्कुल अगर हम एक ही भाषा जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें और हमारे के बीच व्यापार और आसानी से व्यापार कर सकते हैं ना। तो हाँ, तो जैसे कि पहले आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने अधिकारियों को जो अधिकारी विदेश में काम करते हैं उनको कुछ भाषा की पढ़ाई देता है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप स्थानीय भाषा सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्थानीय संस्कृति को भी कुछ सम्मान, कुछ रिस्पेक्ट दिखाते हैं।